देखिए व्यवस्था दुरुस्त होती तो हम लोग क्यों जनता के साथ इतने बड़े हुजूम के साथ यहाँ मौजूद होते। बिजली कटौती की इनके पास जो हालात है आप देख रहे हैं, दो दो दिन तक बिजली को दुरुस्त नहीं किया जाता, पानी के बिल हजारों रुपए के आ रहे हैं, पानी दूषित पेयजल आ रहा है। हमने जब ब्लॉक स्तर पे कार्यक्रम किए तो आम जनता उसमें सहभागी बनी। और आप बताइए सरचार्ज क्यों बढ़ाया इन्होंने, मानस बना लिया सरचार्ज बढ़ाने का, जो सब्सिडी थी उसको भी हटाने का मानस बना रहे थे, लोकसभा में आशा थी इनको परिणाम नहीं मिले, तो उस पर ये बैकफुट में। तो जब व्यवस्थाएं सुचारू नहीं हो पा रही, ना अपराध को लेकर स्थितियां अनियंत्रित है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर अनियंत्रित है, इसी वजह से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की आवाज को मुखरता दे रहे हैं। जनादेश इनको मिला है राज करने के लिए और हमें जनादेश मिला जनता की आवाज उठाकर से न्याय दिलाने के, उसके प्रति हम न्याय कर रहे हैं। देखिए जो विपक्ष का धर्म होता है लोकतंत्र, जन जागरूकता करना, जनता की मुद्दों को उठाना, जनता का विश्वास जीतना, उस प्रक्रिया में हम सफल साबित हो रहे हैं। आप धरने में पहुंचे लोगों की संख्या से इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और हम समझते हैं कि जब कांग्रेस शासन में आती है तो मूलभूत सुविधाएं देने के लिए पूरी तरह प्रयासरत रहती है, और जब विपक्ष में होते हैं तो जनता के साथ हो रहे अन्याय से मुक्ति दान के लिए काम करते हैं। हमारी प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी जब तक जनता को इसकी सुविधा। भीषण गर्मी है, राजधानी 45 से 47 डिग्री सेल्सियस पे तप रही है, आदमी का जीवन बेहाल है, और उस हालात में मूलभूत आवश्यकता पानी बिजली भी जयपुर की जनता को नहीं दे पा रहे। ये सौभाग्य या दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद में पहली बार जयपुर शहर से चुनावा कोई आदमी किसी भी दल का मुख्यमंत्री बना। भजनलाल जी हमारे सांगनेर विधानसभा से जीते हुए वो मुख्यमंत्री बने, और दिया कुमारी बनी है विद्याधर नगर से, वो उप मुख्यमंत्री हैं। जिस शहर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हो उस शहर के आदमी को पीने के पानी के लिए 800 रुपए में टैंकर खरीदना पड़े, वो अपने बच्चों के लिए बिजली के लिए तरसता रहे, इस गर्मी में अगर 10 मिनट बिजली चल जाती है तो हालात खराब हो जाते हैं। ना बिजली की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है। भू पानी माफिया जयपुर में पनप रहा है, पीएचईडी के अधिकारियों के माध्यम से ये सारे ठेकेदार सरकार का पानी बेच रहे हैं, और सरकार का ऐसा मुख्यमंत्री ने ऐसे जलदाय मंत्री बनाया जो ये कह रहे हैं कि मैं कोई बालाजी हूँ जो बटन दबाते पानी दे दूंगा। भैया ये तो पुरानी सरकार के कारनामे, मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत की पुरानी सरकार में पूरे 5 साल में कभी मटका फोड़ आंदोलन हमने देखा नहीं। हमारी सरकार ने पानी की और बिजली की पूरी व्यवस्था की थी, ये सरकार तो चुनाव में दौड़ रही है। जिस शहर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने हो वहाँ मटका फोड़ने की जरूरत पड़ जाए। आम आदमी गंदा पानी पी रहा है, पीने का पानी नहीं आ रहा है। हमने अभी इस महीने में 6 तारीख को 8 विधानसभा में प्रदर्शन किए थे, हमने कहा था व्यवस्था ठीक करो लेकिन नहीं हुई। आज 10 तारीख को शहर के तमाम नेता तमाम कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, फिर हम चेतावनी दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जहाँ आप बैठते हो, जहाँ गवर्नर साहब बैठते हैं, जहाँ चीफ सेक्रेटरी बैठते हैं, जहाँ पूरा मंत्रिमंडल, वहाँ की अगर हालत ठीक नहीं कर सकते हो तो राज्य के 7 करोड़ लोगों की तो क्या आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे। हम चेतावनी दे रहे हैं कि 25 तारीख तक अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो हम आगे जाकर के पीएचडी के कार्यालयों पर, आरएससीबी के कार्यालयों पर हमारा कार्यकर्ता ताला लगाएगा, हमको गिरफ्तार कर लेना। लेकिन जयपुर की कांग्रेस का कार्यकर्ता जनता को बिजली और पानी के लिए त्राई त्राई नहीं होने दे। आकर के देखो आपके सारे के सारे आईएएस अधिकारी शिकायत करते हैं सिविल लाइन में पानी नहीं आ रहा, 4 दीवारी के अंदर प्रेशर आ ही नहीं रहा, 1 घंटे का पानी देते हैं 15 मिनट में पानी खत्म कर देते हैं। जहाँ टैंकरों में कच्ची बस्तियों में या ऊंची वाली बस्तियों में पानी की व्यवस्था कराते हैं वो टैंकर पानी माफिया बेच देते हैं। आप चेक तो करो, गिरफ्तार तो करो, अगर है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता 47 डिग्री सेल्सियस में हम यहाँ क्यों बैठे, उनको मालूम नहीं, वो तो 25 से मुख्यमंत्री बने, उन्हें नहीं मालूम आम आदमी कैसे जीता है। हम 25 तारीख तक का हम समय दे रहे हैं, उसके बाद में हम आरएससीबी और पीसीडी के कार्यालयों पे हमारा कार्यकर्ता ताले लगाएगा, अधिकारियों को अंदर नहीं जाने देगा, चाहे सरकार हमें गिरफ्तार कर लेगी।